एज वेलकम टू बैक इन द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमसे मिलने आ रहे हैं रणवीर एंड विनय भाई, जो कि रही में आता उनके एक अच्छे यूट्यूबर है, हिंदू यूट्यूबर है, जो कि काफ़ी सारी अच्छी वीडियोज बनाते रहते हैं, हिंदू कल्चर के बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो हाँ, उन दोनों के चैनल के लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी वो आने वाले तो उनको मैं लेने जाऊंगा अभी एंड सीधा आपको उनके साथ मुलाकात कराता हूँ। बाकी हाँ, एक और चीज़ की जो व्लॉग है ना, मैं दिवाली से पहले शूट कर रहा हूँ, बाकी दिवाली के बाद आए। अभी हमारे साथ आए हैं रणवीर भाई एंड विनय भाई, ये लोग आए हैं रहीम यार खान से। आप लोग तो जानते हो भाई को, एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर एंड बहुत ही अच्छे इंसान है साथ में। तो अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं एंड देन हम जाएंगे घूमने कहीं पे, भाई लोगों को घुमाएंगे उमरकोट वगैरह, जो भी फेमस चीज़ें हैं जो हमसे हो सका वो सारी चीज़ें भाई को घुमाएंगे मस्त तरीके से। भाई कैसे हो, पहले तो आप बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत आपसे मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई बहुत ही अच्छे इंसान है यार, मतलब कि हम जब मिले हैं ना तब से हमारा हार्ट को छू लिया है। तो अभी तो फिलहाल लंच करते हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यानी कि बहुत ही ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी तो लंच करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों के साथ सिटी घूमते हैं। बढ़िया भाई, आप कैसे? बढ़िया, ठीक है भाई, एकदम बढ़िया भाई। तो महेश भाई से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे अपनापन लग रहा है, मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि अब फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो इन भाइयों को भी प्यार दें, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उमरकोट में अभी आए हैं, तो अभी हम बस खाना खा रहे हैं महेश भाई के साथ और उसके बाद सिटी भी घूमने जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक है भाई, पूरा वीडियो देखना भाई। लोग 10-12 दिन से घर से दूर है, ठीक है। तो यार इतनी ये लोग मेहनत कितनी करते हैं देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो सपोर्ट ला दो यार, आप लोगों के सपोर्ट के प्यार के बिना हम लोग कुछ नहीं, क्या बोलते हैं? बस बिल्कुल आपका प्यार चाहिए बस और कुछ नहीं यार। आप लोग बस सपोर्ट करें मस्त तरीके से, बाकी लंच करते हैं फिर चलते हैं और विक्की भाई भी हमारे साथ है। ऑलराइट गाइस, तो भाई लोगों का खाना वगैरह तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अभी हम मतलब के भाई लोगों को उमरकोट वगैरह घुमाएंगे, कुछ मार्केट वगैरह घुमाएंगे, अगर मंदिर वगैरह जाना चाहे तो वहीं पे भी हम घुमाएंगे, ठीक है भाई लोगों को। एंड अभी मेरे को तो यार जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत काम है, विकी घुमाएगा एंड विकी आगे अपना मतलब के जो भी व्लॉग है वो कंटिन्यू करेगा भाई लोगों के साथ। फुल कोई भी तकलीफ वगैरह नहीं होगी रणवीर भाई को, मस्त आपको घुमाएंगे। आप होते तो और अच्छा रहता, पर कोई ना, विकी भाई भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको घुमाएंगे, ठीक है। बाकी आप मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे रणवीर भाई? तो फ्रेंड्स, भाई ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हमसे मिले और काफी अच्छा लगा। तो जो हम इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं वो तो अलग बात होती है, जब सामने मिलते हैं तभी बंदे का रियल फेस हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को भाई अच्छे लगे, हमारे साथ मिलके अच्छा लगा होगा हम चारों के साथ। सो फ्रेंड्स, महेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए। और इनके साथ साथ हमारे विकी भाई हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ ये मतलब टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो इनको जितना सपोर्ट होता है तो कई चीज़ें, आपका एक व्यूज जो है हमारे बहुत काम आता है, हमें खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहें, बाकी हम आपके लिए जो हमारा व्लॉगिंग वाला काम है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप बस प्यार दीजिए। और अभी जो है हमारी दीपावली आ रही है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एडवांस में। तो अब हम जा रहे सिटी की तरफ, महेश भाई हमें घुमाने वाले हैं और हमारे साथ विकी भाई भी है। तो गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है रणवीर भाई, जैसे लोग हमको इंस्टा पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हम रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो दो दिन के अंदर सोते कि बंदा ना अब हवा में चल रहा है, सही है। मगर गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बंदा कहीं बिजी भी होता है। अभी देखो जैसे रणवीर भाई वाले आए ना, 10 दिन तक कभी बिजी रहा, 10 दिन मतलब हम कराची से थार पार्कर में चले गए, उधर तो फिर आपको पता है नेटवर्क नहीं होता बॉर्डर एरिया है। तो एग्जैक्टली तो अभी तो मिट्टी में थे, उधर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, अभी किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक से मोबाइल भी नहीं यूज कर पाए और अपलोडिंग भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम नींद भी नहीं की। तो फिर क्या करेंगे यार, ऐसी लग रही होगी जैसे कोई 12 बजे में। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब सामने बंदा मिलता है ना तब आपको उसका मतलब के असली पहचान उसकी होती है कि बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, उड़ रहा है। गाइस अभी हम आए हैं सूरज भाई की शॉप पे, ठीक है, इन भाई को घुमाने के लिए। एंड अभी हम इधर हैं शाही बाजार उमरकोट की, शाही बाजार। मैंने भी आपको उमरकोट अभी तक पूरा नहीं दिखाया, मतलब दिखाया भी नहीं है रणवीर भाई, आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो मैंने भी अभी तक नहीं दिखाया है। बाकी ये भाई लोगों को अभी मतलब के सूरज भाई एंड विकी भाई ये दोनों जाएंगे पूरी की पूरी जो भी सिटी में जो भी मेन चीजें हो सारी घुमाएंगे, ठीक है। अभी मैं सारा का सारा व्लॉग इनके हाथ में करता हूँ भाई लोगों के। भाई यार तो, शाही बाजार कितनी मस्त बाजार हो, आपने कभी दिखाई नहीं, ये तो फिर बाकी अनुराग कैसा लग रहा है उमरकोट आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हम तो मतलब के पहले तो आते नहीं थे यार, हम इतना दूर है ना,
तो आज फर्स्ट टाइम आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये शाही बाजार तो कुछ अलग ही लेवल की लग रही है, क्योंकि ये देखो ना सभी ऑल टाइप यानी चीजें जो आप लोगों को इसी बाजार में से मिल जाएंगी। बाकी सिटी आप लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है, यही बाजार में सभी कुछ मिल जाएगा। भाई आपको कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है भाई। शाही बाजार हर तरफ शाही बाजार ही है, और ये शाही बाजार जो राजा महाराजाओं की तरह सारी चीजें मिलती है यहाँ पे। तो ये भाई अब हम जाने वाले हैं, इनको मतलब लेट हो रहा है। तो बाकी हम और विकी भाई है, और भाई दिखाओ यार उमरकोट, हमारा कल्चर दिखाओ हिंदू भाइयों का। जी जी भाई, ये हमारे भाई महेश को सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत अच्छे व्लॉग लाने वाले हैं आगे। भाई ने बहुत कुछ प्लान किया है, लेकिन टाइम थोड़ा अप डाउन भी चल रहा है ना आजकल, तो टाइम निकालते रहेंगे भाई, दिखाएंगे उमरकोट भी आपको। बाकी गाइस आपको बता दो, यहाँ के लोग हमको देख के हैरान हो गए कि भाई क्या कर रहे हैं, एलियंस एलियंस हो क्या, क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? तो इनको नहीं पता भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मस्त आप लोगों को दिखाने के लिए। और गाइस अभी भाई लोग मेरे को जा रहे हैं शॉप पे ड्रॉप करने, ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं, पीछे वो रणवीर भाई वाले आ रहे हैं, तो मेरे को इधर शॉप पे ड्रॉप करके जाएंगे किले पे, किला घूमेंगे एंड किला आप लोग दिखाएंगे सूरज भाई के साथ। कंटेंट हो डालता रहेगा, लोग हमारा कल्चर दिखा रहे हैं। भाई लोगों को लेके आए आ गए हैं किले पे, ठीक है ना, तो अब जा रहे हैं हम ऊपर। पहले भाई कैसा लगा आपको किला, बोले तो ये बताया। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, जैसा मैंने इमेजिन नहीं किया था उससे भी बढ़िया लगा। देख सकते हो ना पुरानी चीज़ें देख के, तो ऐतिहासिक चीज़ें देखने से ना वैसे भी बंदे को बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये किला। और यहाँ की जो चीज़ें पहले जो मतलब कि थोड़ा सा ख़राब थी, अब तो उनको रिपेयर किया गया, उसके बाद तो नज़ारा ये लगा है भाई। ऊपर चलते हैं, ऊपर से सारा सिटी भी दिखता है, और ऊपर से ऊपर और भी बहुत पुरानी है ना भाई। पहले चलते हैं हम ऊपर, उसके बाद आप कुछ घुमाएंगे उस साइड पे म्यूजियम हमारा, ठीक है ना, किले का वो घुमाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे मार्केट, अगर टाइम बचता है तो हम चलेंगे शॉप पे। भाई अब हम जा रहे हैं नीचे म्यूजियम, म्यूजियम दिखाते हैं इन भाई लोगों को। पहले तो मतलब कि यहाँ बना हुआ था म्यूजियम, ये सारा टूट गया, फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया नया बना के, अब वो न्यू म्यूजियम आपको दिखाते हैं। आप काली माँ के मंदिर, क्योंकि टाइम नहीं था तो भाई वालों ने बोला म्यूजियम हम अभी नहीं घूमेंगे, नेक्स्ट बार आएंगे तभी घूम लेंगे म्यूजियम। बाकी अभी आप जाओ हमें मंदिर विजिट करवाओ, मतलब के मंदिर विजिट करवाओ, तो हम आए फर्स्ट इन्हों को दिखाते हैं मंदिर। भाई मंदिर आप पहुँच चुके हो काली माँ के मंदिर, बहुत अभी
मतलब के बहुत ही बेताब है कि माता के दर्शन करें, क्योंकि हमने जो है चुड़िया माता के दर्शन किए हैं। मंदिर जितने भी घूमो मन को शांति मिलती है, तो मंदिर के व्लॉग अधूरा होता है। बिल्कुल, हम थैंक्स करते हैं विकी भाई का और महेश भाई का और हमारे सूरज भाई जो है, बिल्कुल मतलब टाइम निकाल के हमें जो है उमरकोट के विजिट करवा रहे हैं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आप लोग इनको भी प्यार दें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं माता का। बहुत मन के अच्छे इंसान, मतलब इतना टाइम देना आज के जमाने में तो आपको पता है ना। बिल्कुल, तो चलते हैं मंदिर विजिट करवाते हैं आपको। तो भाई मंदिर तो आपको पहले ही विजिट करवा चुके हैं, बट थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं अभी। हाँ जी रणवीर भाई, मंदिर तो आपने विजिट कर लिया है, बताएं कैसा मंदिर लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, मन को बहुत शांति मिली माता के दर्शन करके। और हम मतलब हमारे उधर माता का मंदिर नहीं है ना, अच्छा। कृष्णा मंदिर ही है, तो अच्छा। माता के मंदिर का मतलब दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, तो मतलब काफी मन को शांति हुई। और हमने कुछ मांगा भी है, तो वो तो मतलब जो मांगते वो बताते नहीं। जरूर पूरा होगा, माता रानी आपकी जो भी मतलब की इच्छा है वो पूरी करे। बाकी हम नेक्स्ट मंदिर चलेंगे वो मुरलीधर मंदिर, बाकी टाइम बचा तो हम चलेंगे शिव के मंदिर, वो भी मतलब कि बहुत ही बढ़िया मंदिर है। हमारे यहाँ जो मेला लगता है ना शिव का, महाशिवरात्रि फेब्रवरी में होगा, बहुत ही बढ़िया मतलब कि ऐसे समझो पाकिस्तान का दूसरे नंबर मेला लगेगा वो, तो आपका आना हो तो जरूर आना, वो भी आपको दिखाएंगे। महाशिवरात्रि तो मतलब बहुत धूमधाम से मनाई जाती है पाकिस्तान में हर जगह पे, तो यहाँ मतलब ज्यादा हिंदू कम्युनिटी है तो ज्यादा अच्छे से होगा। हाँ जी भाई, ये मुरलीधर मंदिर ये आपको अंदर से दिखा दे, बाहर से तो आपको पता चल गया होगा कैसा है मंदिर। हाँ जी भाई, मुझे ये बताएं आपने काली माँ का मंदिर देखा वो आपको कैसा लगा, और अमरकोट सिटी तो पहले ये बताओ भाई, सिटी कैसा लगा आपको? सिटी यार एकदम मतलब के ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदू सिटी, फर्स्ट टाइम हमने देखा ना, हमारे इधर तो ऐसा है नहीं, तो अभी हम जैसे ये सिंध की ओर आते हैं तो फिर एकदम बढ़िया लगता है। पहले तो हम मतलब इतना नहीं आए थे, कभी आए नहीं, तो फर्स्ट टाइम जब देखा है तो मन सा लग गया यार। भाई आप बताएं। तो भाई उमरकोट में आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 70-80% लोग हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, और महिलाएं भी घूम रही हैं साड़ियाँ वगैरह पहन के, हर तरफ मंदिर ही मंदिर है। और सूरज भाई जैसे और विकी भाई जैसे भाई हो तो सिटी बढ़िया क्यों नहीं लगेगा भाई। बहुत यहाँ पे आने के बाद मन को शांति मिली, माता के दर्शन किए, अब हमारे मुरलीधर के दर्शन करने आ गए, तो चलते हैं और आपको भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ, मतलब के इन भाइयों को जाना भी है घर वापस, 10 दिन से बाहर है तो जाएंगे बस की तरफ, मतलब के बस वालों को स्टैंड पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है, क्या टाइमिंग है बस की, उसके बाद ही अगर और आपको आगे अपडेट देते हैं। अगर टाइम रहता है तो फिर हम शिव मंदिर भी जाएंगे, नहीं तो फिर और मंदिर भी विजिट करेंगे, अगर टाइम ना होगा तो फिर यही मंदिर था दोबारा आएंगे और बहुत सारे मंदिर भी घूमेंगे, भाइयों के साथ व्लॉग भी बनाएंगे। तो ये भाई विकी भाई और सूरज भाई बहुत हम्बल है यार, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, नाइस पर्सन है, भगवान इनको खुश रखें और आप प्यार आप देते रहे भैया। थैंक यू थैंक यू। हम और मंदिर वगैरह विजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई वालों की बस का टाइम हो चुका है, भाई वाले जा रहे हैं, हमने बोला भाई रुको भाई आज रात की रुक जाओ क्या है, कोई बात नहीं भाई फिर दोबारा आएंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है, उसकी कुछ भी तैयारियां नहीं की है। और हम 10 तारीख को रात से निकले हुए हैं, तो आप सोच लो आज सुबह 21 हो जाएगी, 21 की रात शाम को दोपहर को हम पहुँचेंगे घर पे, तो उसके बाद अभी तैयारियां भी करनी है, तो इसलिए फिर दोबारा आएंगे भाई। तो हम भाइयों को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी हमारी तरफ जल्दी आए। बिल्कुल आएंगे भाई। तो इनकी बस का टाइम चुका है, 20 मिनट के बाद ये जा रहे हैं, हमने तो बोला रुकने को बट नहीं रुक रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आप आना, जो भी मंदिर वगैरह रह गए वो आपको अच्छे से हम विजिट करवाएंगे। बाकी आप कुछ बोलना चाहे रणवीर भाई बता दें। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, क्योंकि अगर वैसे तो हम इधर रात रुक लेते बट दिवाली की वजह से ना आपको पता है कि 2 दिन रहते हैं तो फिर हमें वापस भी जाना है, तो यही वजह है, तो रात रुक लेते, बहुत अच्छा सिटी है, नहीं रुक पाई। तो मैंने भाई आप बता दें भाई, बहुत अच्छा लगा, हमारी शक्लें देख के लग रहा होगा कि हम अभी सोए नहीं हुए, लेकिन ये विकी भाई और ये सूरज भाई और महेश भाई हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई अपना प्यार दो और हम ऐसे ही जो है काम करते रहेंगे आपके लिए, और बहुत कुछ प्लान किया हुआ है और कभी साथ में ट्रैवल भी करेंगे, और हम भाइयों को स्पेशली इन्वाइट करके जा रहे हैं कि भाई आओ पंजाब घुमाएंगे आपको, ठीक है भैया? बिल्कुल भाई, दिवाली के बाद तो ज़रूर आएंगे हम। हाँ बस दिवाली आ रही है, वरना हम यहाँ पर रुक जाते क्योंकि अभी हमें 24 घंटे लग ही जाएंगे, बहुत सारे काम होता है। हाँ बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ अभी शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया भाई, ठीक है? तो सही लेंगे भाई, सही हो गया गाइस, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, बाय बाय फ्रेंड्स एंड महेश भाई।